आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस बार बदले हुए हालात में विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी सरकार को जातिगत जनगणना के अलावा महंगाई, किसान और कानून व्यवस्था आदि सवालों पर घेरने की तैयारी में है। तो सत्ता पक्ष ने भी पूरे तथ्यों के साथ इसका जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। रविवार को बीजेपी और सपा दोनों ने अपने अपने विधायकों की बैठक कर सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार विमर्श किया। मॉनसून सत्र में शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी विधेयक पर पेश होगा, जिसमें सभी शिक्षकों का चयन एक आयोग के जरिए किए जाने की पूरी संभावना है, प्रावधान है। इसके अलावा कई प्रतिस्थानी विधेयक और सीएजी रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए। संजीव जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्र की कार्रवाई आज से जो है वो शुरू होनी है, कितना हंगामा इस बीच देखने को मिल सकता है? देखिए दीपाली, आज उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी हैं। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विधानमंडल की बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम सहयोगियों ने इस बात पर चर्चा की थी, विपक्ष जिन सवालों को सदन और सदन के बाहर उठाएगा उनका जवाब किस स्तर पर और कौन देगा, ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी है। जबकि विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने विधानमंडल दल की कल बैठक बुलाई थी 11 बजे पार्टी कार्यालय पर, और उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम ये मुद्दे हैं जिन पर योगी सरकार को घेरने का काम आज सदन में किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासत के टेम्परेचर की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों का औपचारिक ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं और ऐसे में मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश में जो सियासी ड्रामा है वो पूरी तरीके से चरम पर दिखाई देने वाला है दीपाली आज। जी संजीव जी, वैसे देखा जाए तो इस बार जो है कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार जो है इस समय अच्छा परफॉर्म भी करती हुई नजर आ रही है, तो क्या हमलावर हो सकता है इस पर भी विपक्ष? देखिए अतीक अशरफ की हत्याकांड के बाद ये पहला सत्र है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को हो सकता है सदन में उठाए। इसके अलावा जो लखनऊ में जीवा हत्याकांड था, तमाम इस तरीके की पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हुई हैं, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर विपक्ष उठाने का काम करेगा, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाती है दीपाली, तब तक बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खुले मंचों से भाषण देते हैं तब कहते हैं कि मई जून में शिमला का एहसास करा देंगे, तो आखिरकार जब सदन में कानून व्यवस्था पर बात होगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के घेरे में होंगे। वहीं रोजगार की बात करें तो निश्चित तौर पर रोजगार उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है, भर्तियां तो निकलती हैं लेकिन पेपर आउट होने के बाद या तो मामला कोर्ट में लटक जाता है या फिर रिक्तियां कैंसिल हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे रखकर विपक्ष अपने 2024 की सियासी रोटियां सेकने का काम करेगा दीपाली। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी बताया है कि किस तरीके से जो है इस बार हंगामेदार रहने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं और विपक्ष है तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर हो सकता है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर, किसान के मुद्दे को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि इस बार जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जो है काफी घेरा जा रहा है मौजूदा सरकार को। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकार है मौजूदा यूपी में वो अच्छा परफॉर्म भी करती हुई नजर